Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to another video. So in today's video I am going to share few products. This is going to be a haul video. So basically मैंने recently कुछ product purchase किया था Amazon की website से, Nykaa से, कुछ Suka Cosmetics के website से. So this is going to be a mixed haul video. And जितने भी product मैंने purchase किया था मैंने उसको around 15 days के लिए use कर लिया है, so I can give you the review as well. I do have two field boxes with me, so without any further let's move on to the video. So starting with this product, this is the Cosloc Professional Makeup Soft Sponge. This beautiful soft sponges come with this plastic jar, and this jar ke andar char bade bade different shapes ke and teen chote chote sponges hai. So I have used this sponge in today's video only, so in today's makeup only. So ये थोड़ा बहुत जब आप इसको use करते हो तो थोड़ा बहुत product को soak करता है, लेकिन blend काफी अच्छी तरीके से करता है. Price point of view के हिसाब से you can definitely go with this product. Moving on to next product, next one is this one. This is Swiss Beauty Eyebrow and Gel Eyeliner. This product comes with this very decent packaging. And इस पैकेजिंग के अंदर आपको इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक एप्लीकेटर भी मिलता है टू अप्लाई योर आईब्राउ एज वेल एज द आईलाइनर. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंड दिस कंटेंट्स ए वेरी स्मॉल मिरर ऑल्सो. रिसेंटली मैंने कुछ मेकअप वीडियो में इसका जो आईब्राउ पाउडर है इसको यूज किया था, तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही अच्छे से स्मूथली अप्लाई होता है. एंड इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप इसको बिना वैक्स अप्लाई किए यूज करते हो तो ये धीरे धीरे फेड होने लगता है. अगर आप इसको वैक्स अप्लाई किए यूज करते हो तो ये बहुत ही टाइम के लिए लॉन्ग लास्ट होकर रहता है. एंड इसका जो आईलाइनर है बिल्कुल जेट ब्लैक आईलाइनर है. मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया एज सच टू ट्राई दिस, बट जब ये प्रोडक्ट आया था मेरे पास, मैंने रिसीव किया था तो मैंने तभी ट्राई किया था. तो काफी अच्छी तरीके से अप्लाई होता है एंड बहुत ही टाइम तक रहता है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. दिस हैज 8 शेड्स एंड 8 ब्यूटिफुल शेड्स. इस पैलेट के अंदर 4 शेड से जिसको अपन ब्लश की तरह यूज कर सकते हैं, 2-3 शेड ऐसे जिसको हम ब्रोंजर की तरह यूज कर सकते हैं, एक हाइलाइटिंग शेड से. तो इसे वेरी यूजफुल एंड मल्टीपर्पज ब्लश पैलेट. एज यू कैन सी द प्रोडक्ट्स आर क्वाइट पिगमेंटेड एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. अगर इसको आप अप्लाई करने के बाद मेकअप फिक्सर यूज करते हो तो काफी टाइम तक आपके फेस में वैसे ही टिका रहता है जैसे आपने अप्लाई किया होगा. अल्ट्रा अफोर्डेबल भी है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही पैलेट में आता है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज मार्स ब्लिंगीटॉन ग्लिटर पैलेट. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट पैकेजिंग लुक्स लाइक. सच ब्यूटिफुल 9 शेड्स ऑफ ग्लिटर कलर इज देयर. मैंने अभी तक इस पैलेट को यूज नहीं किया है टू क्रिएट एनी मेकअप लुक, बट बहुत जल्द करने वाली हूँ क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप लुक क्रिएट हो सकते हैं. एंड मैं जो बिगिनर्स का मेकअप किट होता है उसमें भी इसको एड करने वाली हूँ. नेक्स्ट वन इज दिस सुगा कॉस्मेटिक्स ग्रैंड फिनाले डुई सेटिंग मिस्ट. दिस इज वॉट दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. नथिंग फैंसी, बट इस प्रोडक्ट को मैंने 5 से 6 बार मेरे मेकअप के वीडियोज में यूज कर लिया है एंड आई कैन से दैट कि आप जब इसको यूज करते हो तो दिस इज गोइंग टू मेक योर मेकअप वेरी ग्लोई डूई इल्यूमिनेटिंग. इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है थोड़ा हाई है, 550-600 के रेंज में आता है, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल कर सकते हो देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज कलाइलिस फॉक्स मिंक लैशेस. इस पैकेजिंग के अंदर आपको 3 डिफरेंट पेयर की लैशेस मिल जाती है एंड इट सेज कि इजी टू अप्लाई, लाइट वेट एंड रीयूजेबल. जो भी आप लैशेस खरीदते हो सारे के सारे एप्लीकेशन इजी होते हैं, लाइक अगर आपको सही से यूज करना आता है, बट लाइट वेट लाइक हाँ डिफरेंट आई लैशेस के कंपेरिजन में दिस इज अ ट्रूली ए लाइट वेट आई लैशेस एंड डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को रीयूज कर सकते हो. एंड इस आई लैशेस पेयर के साथ आपको ये कलाइलिस का आई लैश एडहेसिव फ्री में मिलता है. अगर आपको लैशेस यूज करना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. दिस इज सच ए लाइट वेट आई लैशेस एंड ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है. मैंने एक वियर किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है. लाइक अगर जब आप यूज नहीं करते हो एंड जब आप यूज करते हो तो मेकअप करते टाइम तो काफी डिफरेंस होता है. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज सुगा कॉस्मेटिक्स टू गुड टू बी ट्रू डुअल आई शेडो, जिसको मैंने सुगा कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट से परचेज किया था. सो इसके अंदर आपको एक मैट शेड एंड एक शिमर शेड आपको मिलता है. एक ही प्रोडक्ट में आपको मैट एंड शिमर आई शेडो मिल जाता है. काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, कॉम्पैक्ट है एंड इसके डिफरेंट शेड्स भी है, तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज गुलाबरी प्रीमियम रोज वाटर. नथिंग मस्ट टू से अबाउट दिस प्रोडक्ट. इसको मैं आज टोनर की तरह यूज करती हूँ. डिफरेंट फेस पैक में भी इसको आप यूज कर सकते हो. दिस इज अ मल्टीपर्पज एज वेल एज वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज फेस शॉप जेजू आलो फेस वॉश.
दिस इज सच ए नाइस प्रोडक्ट फॉर ऑल द ड्राई स्किन टाइप पीपल। ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है एंड आप इसको अप्लाई करने के बाद फेस बिल्कुल ड्राई नहीं होता है, हाइड्रेट होकर रहता है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो बट ड्राई एरिया में रहते हो तो डेफिनेटली आप इस वाले फेस वॉश को ट्राई कर सकते हो। मेरा जो स्किन टाइप है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है बट मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस जगह पे मेरा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। सो इसलिए मैंने इस फेस वॉश को ट्राई किया है एंड इट्स डेफिनेटली ए नाइस फेस वॉश। इसको अप्लाई करने के बाद फेस बिल्कुल ड्राई फील नहीं होता एंड काफी टाइम तक हाइड्रेट होकर रहता है। सो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज दिस इज गार्नियर 30X विटामिन सी बूस्टर सीरम। दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंड दिस कम्स विद दिस काइंड ऑफ एप्लीकेटर। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो इतना भी लिक्विड ही नहीं है, थोड़ा सा लाइक सेमी लिक्विड टाइप्स की है। आई हैव ऑलरेडी यूज दिस प्रोडक्ट मोर देन 15 डेज एज इट क्लेम्स इट्स स्पॉटलेस ब्राइट स्किन इन जस्ट 3 डेज। बेसिकली मेरे फेस में कोई ऐसा स्पॉट नहीं था तो मुझे नहीं पता कि स्पॉटलेस है कि नहीं, बट इसको अप्लाई करने के बाद फेस थोड़ा सा क्लीन सा लगता है एंड हाइड्रेट लगता है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो एंड आपको विटामिन सी सीरम यूज करना अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आप इसको यूज करने के बाद आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई फील होगा तो उसको यूज करने के बाद आप हाइलुरोनिक एसिड का सीरम या फिर हाइलुरोनिक एसिड का कोई मॉइस्चराइजर डेफिनेटली यूज करिएगा। उसके बाद आपका जो स्किन होता है बिल्कुल उसका जो मॉइस्चर होता है बिल्कुल लॉक होकर रहता है। सो दैट्स द प्रो टिप। नेक्स्ट वन इज दिस इज निविया पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन। टू मेक योर सेल्फ फील फ्रेश यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। दिस कंटेन्स 0% अल्कोहल। सो दिस इज अ डेली यूज प्रोडक्ट, काफी अफोर्डेबल भी है एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इन दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज दिस इज वादी नेल एंड क्यूटिकल ऑयल। सो बेसिकली मुझे इसका लेने का कोई मतलब ही नहीं था, बस बहुत ज्यादा यूट्यूब में हर जगह में हाइप था तो मैंने ट्राई किया कि देखते हैं कैसा लगता है प्रोडक्ट, इसका स्मेल कैसा है। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस स्मेल, बस थोड़ा बहुत ही है फ्रेशनेस के लिए। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस। नेक्स्ट वन इज दिस इज सुगा कॉस्मेटिक्स मैट एज हेल क्रेन लिपस्टिक। इसको भी मैंने सुगा कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट से परचेस किया था। बेसिकली इसको लेने का मतलब यही था कि मेरे पास कोई रेड शेड अच्छे में नहीं था, लाइक मेरे पास इतना कोई अच्छा रेड कलर का लिपस्टिक नहीं था। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई दिस वन एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, इसको यूज करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड ये बहुत ही अच्छा क्रीमी फॉर्मूला है, बहुत ही सुंदर लगता है यूज करने के बाद। अगर आपको रेड कलर में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, रेड कलर वियर करना अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। एज ऑलवेज मैंने फ्यू लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट किया है दिस टाइम। सो फर्स्ट वन इज दिस इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स मोल्टेन पिंक लिप शेड्स। अनदर वन इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इट्स इन द शेड टॉप नॉच। दोनों ही लिप शेड्स को मैंने आज यूज किया है। सो इसका जो मतलब एप्लीकेशन है काफी स्मूथ है बट इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा चिपचिप ऐसा लगता है, बट इसका जो प्राइस है सस्ता है एंड आप डेली यूज के लिए इसको यूज कर सकते हो। लास्ट लिपस्टिक इज दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इट्स ऑल्सो ए लिप क्रेन, इट्स इन द शेड हॉट न्यूड। दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये काफी स्मूथ तरीके से अप्लाई हो जाता है, आप डेली यूज के लिए डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस इज फिलिप्स हेयर ड्रायर। जब भी अपन हेयर वॉश करते हैं तो हेयर थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो जाता है, तो मेकअप वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो हेयर थोड़ा सा इधर उधर वेवी, वैसे तो मेरा हेयर वेवी है बट और ज्यादा हो जाता है। सो टू मेक इट लिटिल बिट मैनेजेबल मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। मुझे इतनी अच्छी तरीके से ब्लो ड्राई करना तो नहीं आता है बट थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियोज देख के मैंने स्टार्ट कर लिया है। सो टू मेक माई हेयर लिटिल बिट मैनेजेबल फॉर द वीडियोज और कोई थोड़े बहुत ओकेजन के लिए, तो दैट्स दैट ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, लास्ट वन बट द मोस्ट यूजफुल वन फॉर दिस होल वीडियो इज दिस इज विनस का वेट मशीन। अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो करते हो या फिर जिम जाते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो तो आपको डेफिनेटली अपना वेट टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए टू चेक द रिजल्ट, टू चेक द इफेक्ट। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये प्रोडक्ट सबके पास होना चाहिए टू मेक योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट योर वेट। सो या दिस इज इट फॉर दिस हॉल वीडियो। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए सारे का सारा लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी चीज को परचेज करने के लिए तो आप डेफिनेटली उस लिंक को फॉलो कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम, आई विल शेयर माय इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।